नारायण शाकार हरि के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नारायण शाकार हरि ने अपनी वाणी के माध्यम से बताया जीवन का महत्व क्या होता है। शाकार विश्व की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जब इस रूप में आपका आगमन हुआ है, शिवमींस निराकार जिनका कोई आकार नहीं होता, शिवमींस निराकार जिनका कोई आकार नहीं होता, परम प्रकाश अग्नि का सीमित होना निराकार। जब वो आकार लाते हैं तब ही सब ज्ञान देते हैं, तभी सब कर्म कराते हैं, तभी आत्मा को आनंद परमानंद देते हैं, और जब ही आत्माओं का भव से बेड़ा पास होता है। इसलिए साकार हरि आकार नहीं है, और वो इस धराधाम को हरा भरा देखना चाहते हैं, आप आत्मा को हरा भरा देखना चाहते हैं, इसलिए मानव मंगल है। इसलिए यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई धन का चढ़ावा नहीं है, कोई रुपया पैसा बच्चों पदार्थ होना चाहिए कोटि बंगला का कोई जिक्र नहीं, कोई लेना देना नहीं, और यहाँ कोई भेदभाव से भी मतलब नहीं। क्यों? ध्यान रखो, जो बाड़ी आ रही है उसे समझने का प्रयास करो। मात संसार में माता पिता की कोई जाति होती ही ध्यान रखना, जो भटका रहे हैं भटक रहे हो उससे बचो। जगत में माता पिता की कोई जाति नहीं होती, न कोई बताए कि माता पिता की जाति होती है। जब माता पिता की जाति नहीं तो फिर संतों भक्तों की भी कोई जाति नहीं होती। ईश्वर मुरुगन देवी स्वरूप देवता स्वरूप की भी कोई जाति नहीं होती। जब इनकी जाति नहीं होती तो फिर गुरु जी की भी कोई जाति नहीं होती। जब गुरु जी थी तो साकार विश्व हरि की तो कोई जाति न थी न है और न ही हो। इस बीमारी से बच के रहो, अपने को बचा के रखो। धर्म के नाम पर, सत्य के नाम पर स्पष्ट जाहिर कर दिया, कभी भी विमुख होने की जरूरत। अगर सत्य के और धर्म के नाम पर विमुख हो गए तो जीवन दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि दुरांत में बढ़ जाओगे, दुर्मत्ते हो जाओगे और दुर्गति को ही प्राप्त होगे, बचोगे ये मौका है, वक्त है, समय है। एक एक शब्द मन लगाकर सुनो, एक एक शब्द को आत्मसात करो और उसे व्यवहार के रूप दो, कर्म में ढालो, देखो परिणाम अब शीघ्र आता है नहीं आता है। अधर्म की तरफ दौड़ लगाने वालों की कमी नहीं है, अधर्म की तरफ दौड़ लगाते लगाते अधर्म के ही हो जाते हैं। आज मौका है, वक्त है, समय है, अधर्म के पीछे भागना छोड़ दो, और संसार में अगर आपको कोई सत्य धर्म मिलता है तो पकड़ लो, जगड़ लो, फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत। हाउ टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली टैक्स, तमाम तमाम प्रकार के टैक्स लगते आए, लग रहे हैं, लगते रहेंगे, लेकिन साकार हरि ने पूरे ब्रह्मांड पर चर अचर सब पर जैसी कृपा दिया की है, सूरज का प्रकाश मिलता है कोई टैक्स नहीं लिया जाता, चंद्रमा का प्रकाश मिलता है कोई टैक्स नहीं लिया जाता। वसुंधरा धरती ने अपने सीने में जगह दे रखी है कोई टैक्स नहीं लिया जाता, वायु चलती है कोई टैक्स नहीं लिया जाता, ये नेचर प्रकृति को देखो कोई टैक्स नहीं लिया जाता। लेकिन ये तो नहीं लिया जाता कि आपको परमात्मा मानवीय कार्य करने में और परमात्मा का वचन मानकर सदकर्म करने में अगर तकलीफ होती है तो फिर कुत्ता कुटिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली बनकर टैक्स देना पड़ेगा, बचाव संभव। सरकार विश्व की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। ध्यान रहे, यहाँ कोई मिशन नहीं, संघ नहीं, संस्था नहीं, पंथ नहीं, और यहाँ मानव धर्म सत्य था है और रहेगा। जहाँ मिशन संस्था पंथ नहीं है, यहाँ साकार हरि परमात्मा का अभियान है, और अभियान में मिशन संस्था पंथ का नाम नहीं दिया जाता। बुद्धि भेद के तुला पर तोलो,
और ये भी ध्यान रखो तुला में दो ही पढ़ने होते हैं, तीन और चार पढ़ने, ये भी ध्यान रखो। तो तुला में दो पढ़ने होते हैं, पूर्व में भी दर्शाया है कि नागफनी के वृक्ष पर कभी बेला चमेली गुलाब का फूल आने वाला, जिस तुला के पढ़ने में आप बैठे हैं, ये बड़े सौभाग्य से मिलता है, बड़े नसीब वालों को मिलता है, बड़े किस्मत वालों को मिलता है जिस तुला में बैठे हो। ये तुला साकार हरि का है, परमात्मा का है जिसमें आप बैठे हुए हैं। अगर संसार क्या के बैठ जाए तब भी ये पल्ला कभी भी झुकने वाला गिरने वाला नहीं है, बिल्कुल फूल की खुशबू की तरह है, ब्रह्मांड में विचरण करता रहेगा। इस तुला का पल्ला कभी गिर ही नहीं सकता। अब आपकी मर्जी है, अब आपकी इच्छा है। आज आपको देखे ना देखे, पूरे विश्व में जगत में साकार हरि परमात्मा किस तरह से अपने महाचक्र से और अहंकारियों के सर काट रहे हैं, जो दिखाई लोगों को, और जो समझने का प्रयास कर रहा है उसे दिखाई भी दे रहे हैं। ये सर काटने से तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे मोह ममता वासनाएं भेदभाव और अहम के वृक्ष पर सर्वदा विनाश का ही फल आता है, सत्य का फल आने वाला। सुनो एक एक शब्द को, आत्मसात करो, व्यवहार क्रूर दो, कर्म में ढालो। जब आपका आगमन समान मंगल मिलन सद्भावना समागम हुआ है तो आए थे साकार हरि भजन को और फंस गए नित्यानंद स्वामी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।